हेलो एवरीवन, आई एम आशा। वेलकम बैक टू माय चैनल आशाज टेस्टी वर्ल्ड। तो आज हम देखने वाले केरला की एक और नई रेसिपी, ब्रेकफास्ट रेसिपी है एक्चुअली ये। तो आज हम पुट रेसिपी देखने वाले। तो इससे पहले मैंने बहुत सारे पुट की रेसिपी अपलोड की है, लेकिन आज का पुट हम गेहूं से बनाने वाले, गेहूं का पुट है एक्चुअली। तो गेहूं के आटे से भी आप बना सकते हैं, नहीं तो पुट के लिए अलग सी पाउडर यहाँ मिलती है केरला में। तो चलिए फटाफट से देखते हैं इस टेस्टी हेल्दी ब्रेकफास्ट को किस तरह से बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके की पुट्टपुड़ी यहाँ केरला में मिलती है। अगर आपको यही पुट्टपुड़ी चाहिए तो आप ऑनलाइन से इसे ले सकते हैं। तो इजीली ऑनलाइन से भी आपको ये पाउडर मिल सकती है। तो अगर आपके पास इस तरीके की पाउडर नहीं है तो आप क्या करें, गेहूँ की पाउडर भी ले सकते हैं और गेहूँ का आटा लेकर उससे भी सेम इसी मेथड से पुट्टप बना सकते हैं। तो देखिए ये जो पाउडर रहती है ये थोड़ी सी दरदरा सी होती है, देखिए कुछ इस तरीके की रहती है। अगर आपको इस तरीके की दरदरा पाउडर चाहिए तो आप थोड़ा सा गेहूँ दरदरा पीस कर भी लेकर आ सकते हैं और उससे भी पुट्टे बना सकते हैं। तो हम इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक, और नमक डालने के बाद हम लेंगे फ्रेश नारियल। तो यहाँ देखिए फ्रेश नारियल को मैंने ग्रेट करके मिक्सी में एक्चुअली पीस के रख दिया है, आप ग्रेट करके भी ले सकते हैं। और फिर एक मुट्ठी भरकर मैंने नारियल इसमें डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर देंगे। बाद में हम डालेंगे पानी, तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसे अच्छे से गीला करेंगे इस आटे को। तो फ्रेंड्स, नारियल डालने से क्या होता है कि ये ज़बरदस्त टेस्टी लगता है। तो अगर आपको नारियल डालना पसंद नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं, नारियल डालने से ये सॉफ्ट भी रहता है। सो इसलिए नारियल ज़रूर डालिए। तो यहाँ केरला में बहुत सारी फ्रेश नारियल से ही रेसिपी बनती है और यह स्पेशली नारियल का तेल ही यूज़ करते हैं किसी भी टाइप की करी बनाने के लिए। तो देखिए अभी इस तरीके का हो चुका है, तो अच्छे से मिक्स कर देंगे हाथों से। दोनों हाथों से हम इसे प्रेस करते हुए मिक्स करेंगे। इसमें गुटलियाँ बिल्कुल भी नहीं बननी चाहिए, अगर गुटलियाँ होगी तो हम फोड़ के लेंगे, नहीं तो पुट अच्छा नहीं बनता। तो देखिए इस तरीके की पाउडर रहनी चाहिए, जब हम इसे मुट्ठी बांध कर देखेंगे तो उसकी मुट्ठी बननी चाहिए। उस तरीके का इसका स्ट्रक्चर आने के बाद ही समझ लेना ये परफेक्ट हो चुका है। बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स, तो मैं आपको एक मुट्ठी बांध कर भी दिखा देती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पाउडर ली है, तो इसकी मुट्ठी इजीली बन रही है, तो ये परफेक्ट है पुट बनाने के लिए। तो अभी हम फटाफट से पुट बनाकर ले लेते हैं। तो सभी पाउडर आप सेपरेट करके लीजिए। अगर आप गेहूं के आटे से बना रहे हैं तो इस तरह से सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो आप क्या करें मिक्सी में एक बार इसे घुमा के लीजिए, तो ये सेपरेट हो जाएगा। तो देखिए पुट मेकर इस तरीके का रहता है। अगर आपके वहाँ या आपके घर में पुट मेकर नहीं है तो आप इसे ऑनलाइन से ले सकते हैं। तो अभी हम डालेंगे पहले फ्रेश नारियल, और फ्रेश नारियल की एक लेयर डाल देंगे, बाद में हम इस मिक्सर को डाल देंगे। तो डालते टाइम इसी तरह से डालिए, बहुत दबा दबा के नहीं डालना। तो आज हम तीन इसके भाग करने वाले हैं, तो इसलिए हम क्या कर देंगे, थोड़ा सा गेहूं का आटे का मिक्सर डालेंगे, फिर फ्रेश नारियल डालेंगे, और फिर गेहूं का आटे का मिक्सर डालेंगे, फिर फ्रेश नारियल। इसी तरह से तीन लेयर हम बना देंगे और इसे ढक के रखेंगे। तो इसे हम स्टीम देने वाले हैं करीब 7-8 मिनट, 8-9 मिनट इनफ हो जाएंगे इसे बनने के लिए। बहुत ही जल्दी ये बन जाता है। और देखिए ऊपर से भी फ्रेश नारियल रखेंगे और इसे ढक के रखेंगे। तो इससे पहले मैंने पानी को उबालने के लिए छोड़ दिया है। तो अभी देखिए इसका जो पानी है वो भी गर्म हो चुका है। हम इस तरह से पुट मेकर को सेट कर देंगे और इसे कुक होने के लिए छोड़ देंगे। तो जैसे इसमें स्टीम आना स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद और 5 मिनट हम इसे रखेंगे। करीब 8-9 मिनट के बाद ये परफेक्ट कुक हो जाता है फ्रेंड्स। तो देखिए अभी स्टीम आना स्टार्ट हो चुका है, तो और थोड़ी देर हमें रुकना है और बाद में हम इसे निकालेंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है, ज़बरदस्त टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है फ्रेंड्स। तो यहाँ बहुत अलग अलग तरीके के पुट बनाते हैं, चावल के आटे से भी बनाते हैं, रागी पाउडर से भी बनाते हैं, और मक्का का जो आटा होता है उससे भी बनाते हैं। तो उसके भी वीडियोस मैंने पहले अपलोड कर दिए हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप वो भी वीडियो ज़रूर देख लेना। बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है ये। तो अभी देखिए ये कुक हो चुका है, तो हम यहाँ लेंगे एक बेलन और पीछे से इस तरह से बेलन से प्रेस कर देंगे तो इजीली पुट निकल आता है। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा ये पुट बनके रेडी हुआ है, तो इसे देखते ही खाने का मन कर रहा है। तो यह स्पेशली जो चने की करी होती है उसके साथ, अंडा करी के साथ यहाँ के लोग इसे खाना पसंद करते, नहीं तो पापड़ और केले के साथ भी इसे खाते,
कुछ लोग इसे शुगर के साथ भी खाते हैं, तो सबकी अलग अलग पसंद रहती है। तो आप इसे किसी भी करी के साथ खा सकते हैं, नहीं तो सिंपली केले के साथ इसे खाइए, पापड़ के साथ बढ़िया टेस्ट लगेगी। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। डेली मैं एक वीडियो अपलोड कर देती हूँ, जैसे मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगा और मेरे चैनल पर आपको केरला के टूर के वीडियोस भी दिखाई देंगे। अगर आपको वो देखना पसंद है तो आप प्लेलिस्ट चेक करिए। आगे मैं बहुत सारी केरला की रेसिपीज़ लेकर आने वाली हूँ फ्रेंड्स, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो कमेंट्स करना मत भूलिएगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड एन्जॉय। थैंक यू फॉर वॉचिंग आशा'स टेस्टी वर्ल्ड।